नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम आरजेडी दफ्तर के बाहर खड़े हैं और जाहिर है आपके जेहन में ये सवाल होगा कि दफ्तर बंद है तो हम आरजेडी दफ्तर के बाहर सुबह सुबह क्या कर रहे हैं। दरअसल बिहार में भीषण कोरोना संकट के बीच आरजेडी और जेडीयू के बीच, आरजेडी और बीजेपी के बीच सियासी जंग जारी है। ऐसे में बिहार में कोरोना संकट के बीच पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। आरजेडी की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं पटना में कई जगहों पर, आरजेडी दफ्तर के बाहर भी पोस्टर लगाया गया है। हम वो पोस्टर दिखाना चाहेंगे जिसमें सीधे पीएम मोदी पर निशाना है। मेरे पीछे वो पोस्टर है और हम विस्तार से आपको वो पोस्टर दिखाते हैं कि उस पोस्टर में क्या क्या लिखा गया है, किस तरह से पीएम मोदी के 7 साल के कामों को लेकर उनको निशाना साधा गया है। हालांकि इस पोस्टर में नीतीश कुमार पर कहीं निशाना नहीं है। देखिए, ये पोस्टर है, आरजेडी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें सबसे ऊपर लिखा है, मोदी तेरे 7 साल में जनता हुई बेहाल, सरसों तेल 200 रुपये किलो, एलपीजी गैस 960 रुपये, अच्छे दिन जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी, तो तमाम तरह की तस्वीरें भी पोस्टर के इस तरफ लगाई गई है। ना ही काला धन आया, ना ही बेरोजगारी दूर हुई, जनता को नोटबंदी से लाइन लगाने से शुरू हुआ लाइन, अस्पताल, ऑक्सीजन और शमशान में शवों को जलाने के लिए भी लाइन लगवाने का काम किया, 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का वादा करके युवाओं को नौकरी नहीं देकर ठगने का काम किया। तो तमाम बातें इस पोस्टर में लिखी गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। समय पर वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराने के कारण कोरोना महामारी का रूप लिया, लाखों लोगों की जाने आपके नासमझी के कारण चली गई, हमारे देश को एशिया का गरीब देश बना दिया, पापनाशिनी गंगा को सौवाहिनी गंगा बता दिया। और नीचे पोस्टर में आरजेडी के तमाम नेताओं की तस्वीर है, जो तस्वीर रही है कोरोना संकट में ऑक्सीजन के लिए जो मारा मारी रही है, ऑक्सीजन की जो किल्लत रही है, उस तस्वीर को भी इस पोस्टर में जगह दी गई है। कार्टून बनाया गया है, बेरोजगारी और मॉब लिंचिंग को लेकर निशाना साधा गया है पीएम मोदी पर। तो ये तमाम तरह की तस्वीरें इस पोस्टर में है और सबसे दिलचस्प बात कि नीतीश कुमार पर निशाना नहीं है, नीतीश कुमार को इस पोस्टर में वक्त दिया गया है, उन पर कोई हमला नहीं किया गया है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर है भी नहीं। वैसे आमतौर पर अगर पोस्टर वार होता है आरजेडी की तरफ से तो चाहे वो पीएम मोदी पर ही निशाना क्यों ना हो, नीतीश कुमार भी निशाने पर होते हैं, नीतीश कुमार भी की भी तस्वीर पोस्टर में होती है। और शायद आरजेडी की तरफ से जारी किया गया ये पहला पोस्टर है हाल के दिनों में जिसमें नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं है, नीतीश कुमार पर निशाना नहीं साधा गया है।